गवर्नमेंट ताहरा काजी शहीदा स्कूल शेखुपरा में लिव इन कैशमेंट पेंशन रूल्स में तरामीम और मुमकिन आनिजकारी के हुकूमती इकदाम के खिलाफ खवातीन टीचर्स और स्टाफ ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर चौथे रोज भी एहतजाज किया और क्लासों का बाइकआउट किया, जिनका कहना था कि हम इस वक्त तक सरापा एहतजाज रहेंगे जब तक पंजाब हुकूमत की जानब से जालमाना इकदाम के फैसले वापस नहीं लिए जाते। तो हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस बूढ़े आदमी का जवान बच्चा फौत हो जाए तो उसके बुढ़ापे की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ ऐसा ही सलूक किया है, उसने हमारे बुढ़ापे की सारी उम्मीदें छीनी। अपने ही मुल्क में हम दो नंबर शहरी क्यों, किस वजह से? हम अपने मुल्क में एक नंबर शहरी हैं और एक नंबर शहरी बन के रहना चाहते हैं। और ये बताना चाहूँगी कि कतील शफाई का एक शेर है, वो उन्होंने शायद इन्हीं हालात के बुनियाद पर कहा था, घर वालों को गफलत पे सभी कोस रहे हैं मगर इन चोरों को कोई मलामत नहीं करता। चौथे रोज भी स्कूल्स को अपने जो है वो अपनी जो पढ़ाई की सरगर्मियाँ हैं उसको बंद करके हम लोग आज फिर सरापा एहतजाज हैं, और जब तक हमारे मुतालबात के लिए कोई भी रजामंद नहीं होगा हम लोग यूं ही सरापा एहतजाज रहेंगे अपनी तमाम टीचर यूनियंस के साथ। और हमारे जो मुतालबात हैं वो सबको पता है, जैसे कि आप मीडिया वाले हमारे भाई हमारे साथ हैं, और हमारी वही एक जो दुख भरी दास्तान हमेशा की तरह पंजाब हुकूमत के साथ जो एक सुतेली माँ की तरह सलूक किया जा रहा है, वही इसी बात का रोना रोने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अपने कैमरामैन टीम के साथ शेख मोहम्मद तैयब, फायरस्टोन न्यूज़, शेखुपुरा।